एंड बहुत अच्छा डिसीजन है कि ऐसे गले को उन्होंने ठीक करने का मौका लिया, बिकॉज मैं डुप्लीकेट तो यू नो डुप्लीमेटिक मैं वो जवाब देता नहीं हूँ, और ये मेरा बिल्कुल पॉलिसी है जहाँ पे मेरा स्टूडियो है, तो अगर मेरे बारे में कुछ भी कभी भी ये गलत बोलेगा तो मेरी तरफ से ये केस बेस तो नहीं होगा, सीधा झापड़ होगा। आप मानते हैं सलमान ने सही शुरुआत करी है? बहुत अच्छा करा सलमान भाई ने, एंड मैं नाराज हूँ सलमान भाई से कि इतना देर से उन्होंने ये डिसीजन लिया, बिकॉज कहीं ना कहीं देखो आप फिल्म के बारे में बोलो, मैं भी बोल सकता हूँ, आप भी बोलो, आप पर्सनली अटैक कर रहे हो दादू वादू ये बकवास भाई तो नहीं चाहिए यार, आप सीधा बोलो फिल्म अच्छी लगी नहीं अच्छी लगी, फिल्म की स्टोरी बेकार थी, फिल्म की स्टोरी कम थी ज्यादा थी, ये आपको बोलने का हक है, आप पर्सनल लेवल पे किसी को मत बोलो। आप सर अब वो कहीं कहीं अपने आप को झुकते हुए नजर आ रहे हैं केआरके सलमान सलीम साहब को अप्रोच कर रहे हैं कि सबसे पहले केआरके इतना बड़ा चूहा है कि वो अपनी बिल से बाहर नहीं आता, उसको पता जैसे ही बाहर निकलेगा उसको झापड़ बहुत सारे लोगों से बनने वाले हैं। मेरा गाना आया था 2020 में, यकीन मानो लॉकडाउन का पहला सुपर हिट गाना था, बिकॉज लॉकडाउन में लोग गाना नहीं निकाल पा रहे थे क्योंकि सारे बॉलीवुड की जो इमेज थी एकदम से खराब हो गई थी, उसके बारे में उसने बोला ये पुराना गाना है पुराना रिमगना है, तो ये हालांकि मुझे उसको पर्सनली दुश्मनी नहीं है, बड़ी बार मेरे साथ सॉरी बोल के भी गया, अगर आप चाहो तो मैं वीडियो भी भेज दूंगा, हाथ जोड़ के माफी मांग के भी गया, मैं उसको पूरा हक देता हूँ कि भाई तू जो तेरा ये केआरके क्रिटिक्स तुम चलाते हो बहुत अच्छा है वेरी इंटरटेनिंग, पर तुम पर्सनली अटैक करोगे बकवास करोगे दैट इज रॉन्ग। क्या आपको नहीं लगता कि फिल्में नहीं चली, फिल्मों में उस तरह का काम नहीं मिला, तो फिल्में बहुत बड़ी फिल्म है केआरके ने ये चालू कर दी? नहीं 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 हाँ जरूर नहीं, मैं उसके पर्सनल काम पे नहीं बोलूंगा, मैं उसको पसंद करता हूँ जो कई बार वो क्रिटिक्स करता है कॉमेडी करता है जो भी करता है, बट किसी के बारे में पर्सनल बोलना, बहुत साल पहले उसने सोनाक्षी सिन्हा के लिए बोल दिया था पतली हो जा ये हो जा वो हो जा, रे भाई तू कौन है भाई, हु आर यू, तू अपना तो देख अपना लेवल देख अपने आप को देख अपने आप को अपना थोपड़ा पहले ठीक कर ले फिर किसी के बारे में बोल, पर्सनल मत बोलो। हाँ उसकी क्रिटिक्स की बात है, उसका केआरके बॉक्स है बोले अपने रिव्यू दे जो मर्जी बोले, पर्सनली मत बोले, और फैमिली के बारे में मत बोले, किसी की बहन के बारे में मत बोले, किसी के बाप के बारे में मत बोले, हर आदमी अपनी फैमिली से प्यार करता है, हम सब करते हैं, और थैंक यू सलमान भाई कि आप लोगों ने इतना अच्छा डिसीजन लिया, बहुत लेट किया है, और भी जो इंडस्ट्री के लोग हैं ऐसे गधों को आप काबू करो, नहीं होता तो मेरे पास आओ मैं करता हूं उनको काबू। तो सलमान भाई जान का सपोर्ट करते हुए मिक्का सिंह ने जिस तरह से केआरके के बारे में बोला वेल बात करेंगे, ये किसी भी बॉलीवुड स्टार हो या किसी भी सिंगर हो जिसके बारे में केआरके हमेशा भला बुरा कहते ही रहता है, और जिस कारण से आखिरकार सलमान खान के फिल्म राधे के दौरान जिस तरह से सलमान खान पे टारगेट किया गया, सलमान खान के बारे में बोला गया, बीन ह्यूमन के बारे में बोला गया, साथ में उनके फैमिली के बारे में बोला गया, वेल इस बात को लेकर जिस तरह से मानहानि का केस किया गया सलमान खान की तरफ से, जिस बात को लेकर सोशल मीडिया पर अभी काफी सारे बवाले चल रही है। हम आपको बता दूं कि बॉलीवुड के कई सारे सेलिब्रिटी हो या सिंगर हो, जैसे मिक्का सिंह का जिस तरह का रिएक्शन सामने आया है केआरके को लेकर, जहां तक हर एक स्टार सलमान खान को इस केस को लेकर पूरा सपोर्ट दिखा रहे हैं, दिखाए क्यों नहीं, क्योंकि आप लोग को बता दूं कि आप लोग फिल्म का रिव्यू करते हैं, अगर आप लोग अपने आप को क्रिटिक समझ रहे हैं तो फिल्म का रिव्यू कीजिए, जहां तक किसी के लाइफ में आप लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, ये जहां तक सबका कहना है। मैं ही अगर आपके लाइफ के बारे में बोलूं, आपके फैमिली के बारे में बोलूं, तो आपको बुरा ज़रूर लगेगा, या आप ही मेरे फैमिली के बारे में बोले, या मेरे किसी के लाइफ में बारे किसी के लाइफ के बारे में अगर आप कुछ भी बोले तो वो बहुत गलत बात है। हाँ वेल आप लोग बता दूं कि अगर कोई भी जहाँ तक छोटा एक्टर हो या बड़े एक्टर हो, जहाँ तक उसका अगर आपको जहाँ तक सीरियल अच्छी नहीं लगती है, सॉन्ग अच्छी नहीं लगती है या मूवी अच्छी नहीं लगती है, तो मूवी के बारे में आप लोग गलत बोल सकते हैं, उस सॉन्ग को गलत बोल सकते हैं, उस सीरियल को गलत बोल सकते हैं, उसका रिव्यू कर सकते हैं, ये आपका भी हक है, मगर किसी के पर्सनल लाइफ में आप लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। इस बात को लेकर सलमान खान ने केस करते हुए, जहाँ तक उनका मानहानि को लेकर केस कर दिया है, जहाँ तक बीन ह्यूमन को फ्रॉड बताते हुए इस बात को लेकर भी केस किया गया है, और आप लोग बिल्कुल जानते हैं कि अभी सोशल मीडिया पर यही चल रही है। बाकी अभी जो बची हुई है जहाँ तक मिक्का सिंह का रिएक्शन केआरके को लेकर, वो आप लोग जरा सुनते जाइएगा, और आप लोग को बता दूं कि अभी जहाँ तक कई सारे और भी मामले आने वाले हैं केआरके और सलमान भाईजान को लेकर, और मैं आप लोग को बता दूं कि मैं इन दोनों के बारे में गलत नहीं बोल सकता हूँ, इनके पर्सनल लाइफ के बारे में बिल्कुल नहीं बोल सकता हूँ, ये मेरा भी हक नहीं है और आप लोग भी नहीं बोल सकते हैं, ये आपका भी हक नहीं। वेल मैं आपके पर्सनल लाइफ के बारे में बोलूं तो बिल्कुल आप लोग को भी गलत लगेगा, इसी तरह से सलमान खान के अगर पर्सनल लाइफ में केआरके ने बोला तो ये बिल्कुल गलत बात है। इस बात को लेकर मानहानि का केस किया गया, इस पर आप लोग का क्या रिएक्शन होगा इस वीडियो के नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को जरूर देखते जाइएगा लास्ट तक। वेल मैं तो ये पहली बात तो जो भी क्रिटिक्स हैं, चाहे वो
मीडिया है या फिर जो भी क्रिटिक्स हैं जो मूवी के ऊपर हमेशा अपनी टिप्पणियां देते हैं, उनको पूरा हक है बोलने के लिए, बट आप पर्सनली अटैक मत करो। एंड मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि सलमान भाई ने केस किया, वो भी इतनी देर बाद केस करा। ऐसे गधे को तो आप बहुत पहले ही आपको काबू करना चाहिए था, बिकॉज ये हमेशा, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा, जैसे कोमल नाटा है, हमेशा लोग उनको बोलते हैं कि वो खरीदे हुए हैं, ऐसा नहीं है। हर आदमी अपने तरीके से उनको बताता है, एंड हर क्रिटिक्स को, मीडिया को पूरा हक है फिल्म के बारे में बोलने का, पर ये हमेशा पर्सनली अटैक करता है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। एंड मैं आपको पीछे थोड़ा याद कराऊँ, सोनू सूद भाई के लिए बहुत पहले बोलते थे कि यार ये तो आलू है, किसी भी आप सब्जी में डालो, आलू की जरूरत होती है, वैसे ही सोनू सूद है। आज वही सोनू सूद के बारे में ये बहुत तारीफ करता है कि वही सोनू सूद है जिसके बारे में इतना इसने बुरा भला बोल रहा है। सुशांत की हम बात करें, सुशांत सिंह राजपूत, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने उसके बारे में गलत बोला है तो केआरके ने बोला है। एंड मैं हैरान हूँ कि मूवी वाले, हमारे बॉलीवुड वाले इतने टाइम से चुप क्यों बैठे रहते थे, पहले क्यों नहीं किसी ने इसके ऊपर केस ठोका। सायरा जो सायरा खान, सायरा अली जो सैफ अली की बेटी हैं, शी वॉज आई थिंक 17 और 18, तो एक थोड़ा थोड़ा इधर आ जाओ, मिलना सायरा खान के बारे में बोलूँ तो शी वॉज जस्ट 17 और 16, तभी इसने उसके बारे में बहुत बकवास करी थी कि वो हॉट लड़की है। तो ये जो पर्सनल अटैक है ये नहीं होना चाहिए।